इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी अंतरा भाग एक, जिसका हम पांचवा अध्याय पढ़ेंगे, सुधा अरोड़ा ज्योतिबा फुले। तो चलिए पहले जो लेखिका हैं उनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं सुधा अरोड़ा जी के बारे में, ठीक है। तो सुधा अरोड़ा का जन्म कब हुआ था? 1948 मतलब 1948 में। तो सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ, ठीक है। इसी विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य भी किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है, जिनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। बगैर तराशे हुए इनके कहानी संग्रह में आता है, बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, कला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी, ये सब छपा था इनका कहानी में। और उनकी कहानी लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित है, मतलब लिखा गया है, उसको अनुवाद किया गया है, अनुवाद कर करके उसको प्रिंट करके सबको बेचा भी गया है। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथाओं, उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथाओं के दो संकलन दहलीज को लांगते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किए। इसको पढ़ने के बाद थोड़ा मजा तो आता है, बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा गया है। लेखक के स्तर पर पत्र पत्रिका में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। परीक्षक सारिका, यहाँ पर समझना, परीक्षक सारिका और आम आदमी जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में, जनसत्ता अखबार आता है, तो जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर उनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुत चर्चित हुआ करता था। वामा वो लिखती थी जो हर सप्ताह छाप दिया जाता था उसको। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। महिलाओं पर ही केंद्रित औरतों की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आप बताओ आपको किस दिन विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? है कोई डेट? हमारे पास है, 3-4 मेडल दिखेंगे आपको, चैनल में आप जाकर देख सकते हो वीडियो में। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार हैं और उनके यहाँ स्त्री वर्मस का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयम है। मतलब समझना, यहाँ पर सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार तो हैं और उनके यहाँ स्त्री का जो स्वभाव है आक्रामक न होकर सहज, शांत और संयम रखने वाली एक जीव के भांति में यहाँ पर आता है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करते हैं और पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया गया है कि ज्योतिबा फुले ने शिक्षा समाज के लिए क्या क्या किया था। महिलाओं के लिए सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक में लड़ाई लड़ी और इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व पर था। ये अच्छी बात है, ये होता ही है हर जगह पे, क्योंकि जो सामने लड़ना चाहता है ना, लोग उनको लड़ने नहीं देना चाहते, उनको हराने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये कहानी का है, यहाँ पर ज्योतिबा फुले जी के बारे में बताया जाता है। ज्योतिबा फुले आप गांधी जी के साथ में रहने वाली उन महान वीरंगनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं जिनमें एक ज्योतिबा फुले जी थी। यह हम यहाँ पर जानेंगे, यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है, उनमें नहीं लिया जाता, क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं, इसलिए ज्योतिबा फुले का नाम नहीं आता। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। ब्राह्मण चाहते थे कि केवल हम ही पढ़ेंगे, लेकिन ज्योतिबा फुले जैसा इंसान
उन्होंने चाहा कि नहीं, शिक्षा हर किसी का अधिकार है, केवल ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा, शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। यही बात को सामने रखते हुए ये जो ब्राह्मणों का वर्चस्व जो था उसको खत्म करने के लिए, शिक्षा हर किसी के लिए सार्थक हो, समर्थक हो, इसलिए कुछ ना कुछ सुधार चाहती थी और सुधार के समर्थक बन गई। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। जो पूंजीवादी थे चाहे पुरोहितवादी, केवल खुद जानना चाहते थे, उन पर हमला बोला और उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधन समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य उनका प्राण प्रमाण है। कौन सा? जो क्रांतिकारी साहित्य ज्योतिबा फुले ने लिखा है, ये एक तरीके का प्रमाण है, मतलब सबूत है कि क्या लड़ाई लड़ा था उन्होंने। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या छुद्रों के घर चली गई, तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया सच का सवेरा होते ही वेद डूब गया। मतलब ब्राह्मणों ने बोला विद्या शूद्रों के घर, मतलब हम जैसे ओबीसी एसटी एससी वाले के घर में चली गई, इसीलिए ब्राह्मणों की इज्जत करने से कोई फायदा नहीं है, धिक्कार मारो, काग फेंक डालो। तो इन्होंने बोला विद्या शूद्रों के घर, तो शूद्रों के घर चली गई, तो फुल्ले ने, ज्योतिबा फुल्ले ने तुरंत उत्तर दिया सच का सवेरा होते ही वेद डूब गया, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण, भूदेव मतलब ब्राह्मण शर्मा गए क्या, यही बात है, शर्मा गए क्या जी। तो उस समय की कहानी कहानी होती थी, आज की कहानी एकदम प्रलय होती है। आगे देखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। समझना, यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने क्या बताया कि वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था जो है ना अपने पास, जो ऊंच नीच जाति व्यवस्था और हमारे वर्ग में वर्ग व्यवस्था, ऊंचाई बड़ाई छोटाई छुआ छूत, ये सब शोषण प्रक्रिया नहीं आते हैं, ये शोषण प्रक्रिया ही कहलाना चाहिए। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण, राजसत्ता और ब्राह्मण अधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती हैं। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। दलित तो करते हैं, स्त्री भी करो आंदोलन। यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं, पुराने जमाने में जो ये ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण चाहते थे कि शिक्षा का अधिकार हमारे पास ही रहे, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे लोग आए जो शिक्षा को हर किसी के लिए खोलने की बात करती यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले आधिपत्य तो इनका ही था, साठगांठ इन्हीं का था, सामाजिक व्यवस्था इन्हीं का था, सारी मशीनरियों पर यही इस्तेमाल करते थे, जातिवाद इन्होंने ही बनाया, समूचीवाद छुआछूत वर्ण व्यवस्था इन्होंने ही बनाया, दूसरा था कौन बनाने वाले। आज भी कोई बोलता है ना ब्राह्मण कि पास मत आना छुआ जाओगे, हम छुआ जाएंगे, वैसे ब्राह्मण को वहीं पर जूता उठा कर मारो, भले मार दिए जाएंगे हम वहां पे, भले वहां पर जितने भी सब बॉडीगार्ड होते हैं मार देंगे, लेकिन जूता मारो, और नहीं मार सकते तो वापिस आ जाओ, वापिस आकर ऐसा आंदोलन चालू करो कि वो जूता क्या एक मिसाइल के बराबर हो। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं जो रेपिस्ट निकल जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शोधकर्ता यंचा, आसूड, किसानों का प्रतिशोध, सर्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। इसमें ज्योतिबा फुले का मौलिक विचार जो है गुलामगिरी किताब में मिल जाएगा, और शोध करंचा आसूड किसानों का प्रतिशोध ये उसमें मिलेगा, ठीक है, और सर्वजनिक सत्य धर्म ये किताब खरीदने के बाद हमें ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार जो थे उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार होता है। ये जात बिरादरी से ना हो, लेकिन ये भावनाओं से ऐसा हो जाए तो वो घर, वो इलाका, वो देश महान हो जाएगा, जैसे जैसे
लोग ऐसे ऐसे होने लगे। तो आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, क्या कहते हैं, फुले कहते हैं कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्गों को ही मिलता है, आधुनिक शिक्षा जो चालू हुआ उसका लाभ, उसका फायदा खाली ऊंचे खानदान वाले को मिलता है, तो उनमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा? गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना किसे चाहिए? किसे चाहिए ऐसा शिक्षा व्यवस्था? नहीं चाहिए। हम कर नहीं चुकाएंगे, तुम जो कर लो, कर हम नहीं चुकाएंगे। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और स्वर्ण स्वर्णगिन समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित सम्भ्रात अभिक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मण मानसिकता कई असलियतों का पर्दाफाश करता है। यह जो ब्राह्मण मानसिकता है बहुत सारे असलियत का पर्दाफाश करता है, जिसको बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुत चर्चित ग्रंथ सूत करियंचा आसूड, मतलब किसानों के लिए, इसमें सब बताया गया था, उसके उपोद्घात में लिखते हैं, मतलब शुरुआती में ही जब इंट्रोडक्शन लिखा जाता है तो शुरुआत में लिखा जाता है, विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, और इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। एक अविद्या अज्ञान नहीं, ये सब किया। विद्या बिना हमारा मति खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब था तो हम अच्छा काम कैसे करेंगे? अच्छा काम नहीं किए तो अपना देश डूब गया, और देश डूब गया इसलिए विपत्ति आई, विपत्ति आई तो शूद्रों पे आई, और आई तो फिर ऐसा शिक्षा व्यवस्था का क्या जरूरत हमें? आज फिर से शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हम चाहे तो शिक्षा व्यवस्था बदल सकते हैं, लड़ना होगा हमें, संपूर्ण क्रांति लाना होगा, तभी हम कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेते हैं वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। ये बातें यहाँ पर बताया जाता था। पुरुष लोग बोलते थे हमारे लिए अलग नियम, स्त्रियों के लिए अलग नियम, और ये बात सही है, पुरुषों के लिए अलग नियम, स्त्रियों के लिए अलग नियम होना चाहिए। स्त्री को बाथरूम जाना है, पेशाब करने जाना है, तो उनके लिए लेडीज बाथरूम होना चाहिए, पुरुषों के लिए आओ जाओ तुम जेंट्स मेंस बाथरूम में जाओ, लड़के वाले पुरुष पास शौचालय में जाओ। अगर देखो यहाँ पर लड़कियों का बच्चा होने वाला है तो उस समय उसको 6 महीने की छुट्टी दिया जाता है, और जिस संस्थान में काम करती है उस संस्थान को पैसे भी देने होते हैं कुछ खर्च, जिससे उसका सुरक्षा हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके, उसका सेहत ठीक रहे, उसका बच्चा ठीक रहे। ये नियम है, ये नियम हमारे देश में, हमारा संविधान, हमारा कानून देता है। ज्योतिबा ने स्त्री सम्मान को प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की है। कौन सी विवाह विधि है जिसकी रचना की है? पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। ये पूरी विवाह विधि जो है, जो पूरा विवाह का विधि होता है ना, उसमें से ब्राह्मणों का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगल काष्ट विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्धि करने वाली जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाए। गुलामों की बात करने वाले जितने भी मंत्र हैं उन सबको निकाल कर बाहर हटा दिया जाए, हम नहीं मानेंगे, और उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। अगर वर वधु नहीं समझ सकते तो वैसा मंत्र का कोई जरूरत नहीं है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिन मंगल काष्ठों की रचना की है उनमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात की आज शपथ लोगी, स्त्री को उसका अधिकार देंगे, स्त्री को उसका अधिकार देंगे और उससे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने देंगे। यह आकांक्षाएं सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से
मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयास किया। पहले भी सात वचन लिए जाते थे, आज भी सात वचन लिए जाते हैं। कुछ लोग अलग धर्म से करते हैं, कुछ लोग अलग रीति रिवाज से करते हैं, कुछ लोग मारो में शादी करते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही चाय पिलाकर शादी कर लेते हैं, कुछ लोग एकदम धूमधाम से शादी करते हैं तो कुछ लोग चर्च में जाकर वाइन पीकर मंदिर पढ़कर थोड़ा सा फादरी से इंग्लिश पढ़वाकर जो फादर होते हैं उनसे जो भी पढ़वाते हो मुझे पता नहीं शादी कर लेते हैं। वो भी एक तरीके का वचन ही होता है, दिया जाता है कि भैया हम ठीक है तुम्हारी बात मानेंगे, आजादी देंगे, शिक्षा का अधिकार देंगे, तुम्हें पैसा उसे सब देंगे, ये सब बातें वहां पर बताई जाती है। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्षों को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता है, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे कि इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था। पहला कदम था तभी जाकर लोग बात मानेंगे। जब लोग जब भी जो कोई सामने आना चाहता है जब तक पूरे तरीके से लोगों के सामने नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगा। अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना, अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना, ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा भी मराठी भाषा ही नहीं अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। ज्योतिबा फुले ने हिंदी सिखाया, मराठी सिखाया, अंग्रेजी सिखाया, सब भाषा बोलने के लिए सिखाया। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी, वो पढ़ना चाहती थी। कौन सावित्री? ज्योतिबा फुले की पत्नी, ठीक है, उनकी आग्रह शक्ति, जो अंदर की शक्ति होती है, आग्रहम शक्ति तेज थी, मतलब याद करने की, किसी चीज को हैंडल करने को समझने की शक्ति ज्यादा थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार क्या होता, जहाँ धागा होगा रुई हो जाता था, तो हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री सिलख गांव के हाट में गई। हाट में जाने के बाद वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मशीनरी मतलब स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं, मतलब तो कुछ वहां पर कुछ कवाली जैसा गाया जा रहा था। पहले के रूप में कवाली ही तो होता था ना। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुक कर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। मतलब तो कोई लाट साहब था, वो बोला कि भैया घूमते घूमते खाना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई, आग बबूला होकर पिता को दिखाई। वो पिता कैसा था? पिता आग बबूला होकर, यहाँ पर समझना, आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट कर देगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दिया। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने समाज के साथ एक किताब को मन, यहाँ पर जब अपने समाज अपने सम्मान के साथ जा रही थी, जो शादी के साथ जाता है, तो सम्मान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। वह पुस्तक कौन सा था, यहाँ पर नाम मालूम चलेगा। 14 जनवरी 1948 को पुणे के बुद्धवार यहाँ पर वही तो लिखा है ना, बुद्धवार पेठ निवासी भीरे के बारे में पहली कन्याशाला का स्थापना हुआ था वहां पे। कब?
14 जनवरी 1848 में पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3,000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र, यहाँ पर हम देखेंगे शूद्र और शूद्राति शूद्र, लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा था। ज्योतिबा के धर्म भीरु, यहाँ पर समझना, ज्योतिबा के धर्म भीरु मतलब धर्म भीरु जो पिता थे, धर्म भीरु पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। तो जो ससुर थे, धर्म धार्मिक रूप से जो ससुर थे और ज्योतिबा फुले के पिता थे, बेटे और पतो दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सावित्री जब पढ़ने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते। सही बात है, जब जब लोग जिस किसी पर हंसा है तब तब इतिहास उसी ने रचा है, ये बातें हम नहीं भूल सकते। अगर हमारे पर कोई हंसता है, अगर हमें कोई गाली देता है, समझ लो तुम सही हो, उन गधे हो जैसा नहीं हो, उन नालायक हो जैसा नहीं हो, उन बेवकूफ हो जैसा नहीं हो, उन उल्लू के पट्टे जैसा नहीं हो। अगर तुम पे कोई हंसता है बहुत अच्छी बात है, तुम आगे जाओ अच्छे करोगे। तो गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहते हैं। 1840 से 1890 तक, 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर, एक होकर, दो शरीर एक जान होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होता है। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मशीनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया, आह्वान किया कि भैया आप बेटियों को भेजो, बेटियों को पढ़ाओ। बाल हत्या प्रतिबंध गृह में, यहाँ पर समझना, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, प्रतिबंधक क्या होता है, लड़कियों को अंदर रखो नहीं तो मालूम चलेगा लड़की होने वाली है, लड़की हो गई मार देते थे लोग वहां पे। तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घुट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना। अपने घर के आगे कल लगाओ, नल लगाओ, ऐसा सुविधा हो तो एक फिल्टर लगाओ, आरो लगाओ कि आने वाले समय में हर कोई आकर वहां से पानी पी सकता है। हमारे घर के आगे, अभी की कहानी बताता हूँ, हमारे घर के आगे एक चापाकल है, चापाकल है तो वहां से लोग पानी पिया करते थे, बहुत लोग पानी पिया करते थे। पापा ऐसा पानी पीते थे कि पूरा पानी पानी कर देते थे, लेकिन फिर भी चलता था भैया, चलता था। लेकिन फिर भी जो घर बनाए उनका काम निकल गया, फिर वही लोग बोलते हैं पानी आ रहा है थोड़ा इसको रोक लो बउआ। हम लोग बोला ठीक है पानी रोक देते हैं, लेकिन फिर भी पानी पीने वाले भरते थे, पीते थे, सब काम करते थे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर समझना कि हुआ क्या था। हुआ यह था कि जब किसी घर का प्लास्टर हो रहा था तो उसमें सब सीमेंट बालू पड़ गया था। भैया आप पानी पीते हो, सब चीज करते हो, तो उसको ढक कर रखा करो ना जी, हम लोग कितना ढकेंगे अपने कल को। तुमको जरूरत है, तुम पानी पी रहे हो, तुम्हें फर्ज बनता है कि तुम पलस्तरा कर रहे हो, गर्दा गिरा तो ढक दो। लेकिन फिर भी बहुत पापा के बोलने के बाद बंद कर दो, वाशर निकाल दो, हैंडल निकाल दो, बहुत बोलने के बाद भी हमने नहीं निकाला। लेकिन बाद में ऐसा ही लो मजबूर कर दिया कि निकालना पड़ा। लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों के बाद कल को फिर से चालू किया गया, जिसको जरूरत पड़ता है वो पानी अपना पीता है, खूब पानी पीता है, मजे से रहता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, जब सबके लिए, सब जातियों के लिए पति पत्नी ने नल खोल दिया तो हर काम पति पत्नी ने डंके, डंके मतलब क्या, ढोलक, तो डंके की चोट पर किया, किसी से डरा नहीं, किसी से सता नहीं, डंके के चोट पर किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारिवारिक
अनीतिपूर्ण रूढ़िवादियों को ध्वस्त कर दलितों शोधितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जो ये प्रतिस्पर्धात्मक मतलब जो कंपटीशन का दौर निकल रहा है, चैलेंजिंग का चुनौतियों का दौर जो है, उस समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के लोग, बड़े बड़े उच्च जातियों के लोग, प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णता नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। जब दो बड़े लोग बंटवारा होता है निकलते हैं तो एक दूसरे को बर्बाद करने में लग जाते हैं। दो पति पत्नी तलाक होता है तो एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए लग जाते हैं। ये नहीं कि दोनों अलग हो गए तो दूसरे का समाज सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए लग जाएं। हमारे एक भैया हैं, उनका शादी बचपन में ही कर दिया गया था, 14-15-16 साल के थे तभी कर दिया गया था, और उनके बच्चे 20-20 वर्ष के बच्चे होने के बाद भी उनकी जो पत्नी थी वो दूसरे के साथ भाग गई। नो तलाक, नो एफिडेविट, भाग गई दूसरे के साथ। मैं बताता हूँ, वो भाग गई, नरकटा जाए, मर जाए, सुअर हो जाए, पिलुआ हो जाए, उसके देह में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर अकेले रहने का मौका मिला है तो अपने निजी दायित्व को खत्म कीजिए। अपने निजी दायित्व को पूरा करने के बाद आप सारा काम दूसरों के लिए कीजिए। दूसरों के लिए ही करना है, समाज के लिए समर्पित करना है, समाज के लिए समर्पित कीजिए। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दंपत्य की मिसाल बनकर चमकता है। क्या बनता है? एक बहुत बढ़िया आदर्श जोड़ा, आदर्श प्रेमी, आदर्श व्यवस्था, आदर्श एक दंपत्य जीवन, इसका मिसाल समझा जा सकता है इन दोनों को देखने के बाद। आप ये बात नहीं समझोगे, आप तो बच्चे हो ना जी, आप तो बस चुग्गा चुग्गी के बात जानते हो, पप्पा पप्पी के बात जानते हो, बउआ बब्बी के बात जानते हो, और टेडी बियर टाडा बियर के बात जानोगे। तुम वो बात नहीं जान सकते, वो दर्द नहीं समझ सकते जो दर्द तुम अभी झेलते हो ना, कि भैया ये ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समझो कि वो विश्वास कितना था, घर से निकाल दिया गया, खाना भी नसीब नहीं होता था, नमक रोटी खाना पड़ता था, नमक रोटी खाकर भी पति पत्नी समाज सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अगर आपको एक दिन नमक रोटी खाने के लिए बोल दिया गया तो आपका प्राण सूख जाएगा। अक्सर जो गांव के लड़के होते हैं खा भी लेते हैं, पहले हम भी खा लिया करते थे, आज बहुत दिन हो गया खाए हुए, चलिए याद पड़ गया तो कल ही खा कर ही देखते हैं, कल ही खाएंगे, अच्छा लगता है, मुझे ठीक लगता है, अभी भी खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बना कर देवे तब ना, थोड़ा सा नमक लो, तेल लगाओ, घोसो, रोल बनाओ, रोल बनाकर थाली में रखो, चाहे 2-3 उंगली में फंसाओ, खाते चल जाओ। तो पहले के खाने ऐसे ही हुए करते थे, एकदम पेट भर जाता था, मन भर जाता था, लेकिन वो प्यार, वो श्रद्धा, वो एहसास अब खत्म हो गया। जो संस्कार घर से मिलते थे, जो खाने पीने के संस्कार घर से मिलते थे, वो सब हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज के बच्चे सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उनको चाहिए बर्गर, उनको चाहिए डोसा, ऐसे बर्गर साल में एक बार खाना चाहिए, चलो महीना में एक बार खाना चाहिए, डोसा एक बार खा लो महीने में, रोल अंडा रोल खा लो, चिकन वगैरह खा लो महीना में एक बार। उसके बाद से आता है पिज्जा, पिज्जा तो अभी कभी खाना ही नहीं चाहिए, इतना घटिया चीज है, कभी खाना ही नहीं चाहिए। मैंने एक बार खाया था, इतना घटिया लगा कि मैंने खाना ही छोड़ दिया। ऐसे फोकट का चीज था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चीज अच्छा नहीं लगे खाने से कोई फायदा नहीं। आजकल चुग्गा चुग्गी के आदत में आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, होटल जाते हो, डोमिनोज जाते हो, वहां पर पिज्जा ऑर्डर करते हो, क्या मिलता है खाने से यार? क्या तुम हष्ट पुष्ट हो जाते हो, बॉडी बिल्डर हो जाते हो? अरे तुम बीमारी के जड़ हो जाते हो, बीमारी तुम्हारा चालू हो जाता है। तुम किसी दूसरे को स्मार्ट बनने के चक्कर में, किसी दूसरे को दिखाने के चक्कर में तुम गधों बर्बाद हो जाते हो। ऐसे गधापन को छोड़ो, सारा जीवन पढ़ाई में लगाओ और अपनी पढ़ाई समाज के लिए समर्पित करो, समाज के लिए समर्पण करो। आपको कुछ भी डाउट है बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी नहीं पता, आप जो चाहिए, जो एहसास चाहिए, जो बताना है, जो सवाल है, जो आप पूछना चाहते हैं, वो सब क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख कर हमें भेज सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आपको विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।